नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले, सीबीआई के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए 33 जगहों पर छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी कर दिया गया है। एसआई भर्ती घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। 33 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी की कार्यवाही लगातार जारी है और छापेमारी में घोटाले से जुड़े दस्तावेज मिलने की भी खबर है। इस वक्त की बड़ी अपडेट सीबीआई के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीबीआई जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के सिलसिले में जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा के जिलों में यानी कि गांधीनगर, गाजियाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली सहित 33 स्थानों पर लगातार दबिश देती हुई नजर आ रही है। और बताया यह भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और डीएसपी साथ ही साथ सीआरपीएफ के अधिकारियों के ठिकानों पर भी सीबीआई ने यहां पर छापेमारी की है। और उसके साथ साथ 27 मार्च 2022 को एसआई की भर्ती यहां पर हुई थी और बड़ी धांधली जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन इस बीच में बड़ी कार्रवाई को आज यहां पर सीबीआई युवा जो है वो पहुंचे थे और रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया में पूरी तरह से खबरें जो है वो वायरल हुई थी कि किस तरह से एक बड़ा घोटाला देखने को मिला है, क्योंकि एक ही इलाके के एक ही परिवार के कई लोगों का चयन होना इस भर्ती पर पूरी तरह से सवालिया निशान खड़ा कर रहा था, जिसके बाद इस पर जांच बिठा दी गई। और अब आप देखिए कि सीबीआई की तरफ से एक बड़ी कोशिश किस तरह से यहां पर की गई है, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एलजी ने भी यहां पूरी तरह आप देखिए धांधली की जांच करने के आदेश जारी किए थे और एक बड़ा बयान भी जारी किया था कि अगर धांधली हुई है तो इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। और उसी वक्त आप देखिए जिस तरह से एक टीम का गठन किया गया और जैसे ही यह सामने आया कि यहां पर धांधली हुई है तो इसकी पूरे लिस्ट को बंद कर दिया गया, लेकिन उस बीच में रद्द करने के बाद एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है सीबीआई की तरफ से, एक बड़ी कार्रवाई जहां पर आप देखिए जम्मू के अंदर पूरी तरह से सीबीआई काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहना है, जरा वो देखिए। देखिए, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गलत काम करेगा, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि इस तरह के और भी केसेस में? देखिए, जो जो जहां भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। ये इस देश में मोदी जी की सरकार है, भ्रष्टाचार किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इंश्योर किया जा रहा आगे इस तरह के मामले ना हो। देखिए, अगर करेगा कोई तो जेल की सलाखों में जाएगा। रैना किस तरह से बड़ी बात कहते हुए नजर आए हैं कि अगर कोई भी घोटाला हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जेल की सलाखों के वो पीछे होगा। लेकिन अब यहां सीबीआई ने पूरी तरह से दबिश दे दी है और एक एक करके 33 जगहों पर छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी कर दिया गया है। लेकिन इस बीच में कितनी राहत युवाओं को मिलेगी ये देखने वाली बात है। रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रितिका, किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है जम्मू के अंदर? आपको बताना चाहेंगे कि एसआई की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसके चलते जुलाई में एलजी मनोज सिन्हा द्वारा तमाम रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया गया था। कहा गया था कि 3 मेंबर की जो कमेटी बनाई गई है वो जल्द ही इस पे कार्रवाई करेगी, जिस पे कार्रवाई करते हुए रेड जो है 33 अलग अलग लोकेशन है जहाँ पे रेड डाली गई है। जम्मू कश्मीर से काफी ज्यादा लोग इस रिक्रूटमेंट के जो धांधली हुई थी इससे जुड़े हुए, हो सकता है जल्द ही उनके नाम भी यहाँ पे खुलासे किए जाए। पर इनमें कुछ लोगों का जिक्र किया जा रहा है जो की सीबीआई इंक्वायरी की तरफ से जो रेड की गई है। इसमें दो टीचर्स बताए जा रहे हैं, एक पीएचसी एम्प्लॉई जो कि कोर एरिया में बनाए जा रहे हैं और इसी के चलते कोर नारायणा तुमाना और यहाँ पे खोजेवाला नदानी, ये तमाम जम्मू के एरिया है जहाँ पे रेड डाली गई है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जम्मू, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और भी तमाम जगह है जहाँ पे रेड डाली गई है। और इन टीचर्स के अलावा और किन किन लोगों के नाम सामने आए हैं रितिका? आपको बता दें डायरेक्टली नाम अभी तक किसी का भी सामने नहीं बताया गया है, क्योंकि अभी सिर्फ रेड डालने के कार्य किए गए हैं, जिसमें अखनूर की उस लाइब्रेरी में भी रेड डाली गई है जिसका कनेक्शन बताया जा रहा है, जिसमें सवाल उठाए जा रहे हैं कि वहाँ के बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो एसआई के रिक्रूटमेंट में उनकी भर्ती होने का कार्य हुआ है, उस लाइब्रेरी में भी रेड डाली गई है। उसी के समय अलग अलग स्थान है, गांधीनगर, जम्मू कस्बा, यहाँ पे भी रेड डाली गई है। पर
नाम अभी तक बाहर निकाल के नहीं रखे। रितिका, जिस तरह से बताया जा रहा था कि अलग अलग दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश हो रही है, क्या क्या दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं, कुछ वो जानकारी सामने आ पाई है? सवाल ये है कि जिस तरह से दस्तावेज इकट्ठे करने की बात कही जा रही है, कौन कौन से दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं, उस हवाले से कोई जानकारी या अभी तक ऑफिशियल तरीके से कोई जानकारी सामने आ पाई है? रितिका, मेरी आवाज आ रही है? रितिका, सवाल ये है कि जिस तरह से अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है, दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं, और जो कंपनी का नाम भी सामने आया था रितिका, उस पर भी कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि बताया जा रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक साल ही एक कंपनी को काम करने का मौका दिया जाएगा। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से एक बड़ी छापेमारी को अंजाम देने की कोशिश हुई है। जम्मू की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए लगातार सीबीआई जो है वो छापेमारी कर रही है। अखनूर के खोड़ इलाके में भी छापेमारी की गई है, उसी लाइब्रेरी के अंदर जहां पर ये बताया जा रहा था कि यहां पढ़ाई की जाती है और यहीं से पेपर जो है वो लीक किया गया था, और इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने उस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया था। लेकिन इस वक्त सीबीआई यहां पर भी पहुंची हुई है, लाइब्रेरी को खंगालने की कोशिश हो रही है, और जम्मू के भी कई इलाकों के अंदर लगातार आप देखिए दबिश जो है वो दी गई है, कठुआ के अंदर भी दबिश दी गई है। लेकिन उस बीच में अब देखना ये होगा कि कौन कौन से दस्तावेज जो हैं वो सीबीआई के हाथ लगे हैं और किस तरह से अब बड़ी कार्यवाही को अंजाम यहां पर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त आप देखिए लगातार किस तरह से बड़ी खबर जो है वो जम्मू और कश्मीर से ही देखने को मिल रही है, जहां पर सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अभ्यर्थियों को मद्देनजर रखते हुए जितनी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ी हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरह से काम किया जाएगा, किस तरह से यहां पर भर्ती निकाली जाएगी और युवाओं के रोजगार के साधन यहां पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो साफ तस्वीरें आप जम्मू से देख रहे हैं, जम्मू के अंदर आप देखिए किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उस बीच में श्रीनगर की भी तस्वीर आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रीनगर से भी आपको दिखाएंगे कि वहां पर किस तरह से दबिश जो है वो श्रीनगर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीबीआई की तरफ से ये दबिश वहां पर दी गई है। एसआई भर्ती की धांधली के खिलाफ लगातार अभ्यर्थियों का भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहां पर होनी चाहिए। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो ओवरएज होने वाले हैं, उनके लिए किस तरह से अब विभाग और प्रशासन यहां पर काम करेगा, यह सवाल यहां रहेगा। लेकिन अभी आप देखिए कि किस तरह से भर्ती कंपनी को ने पूरी तरह काम करने के लिए कहा गया था, लेकिन कंपनी को मद्देनजर रखते हुए भी किस तरह से अब कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, यह बड़ा सवाल यहां शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 33 जगहों पर लगातार छापेमारी का सिलसिला और कई राज्यों के अंदर भी आप देखिए किस तरह से दबिश जो है वो दी गई थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद भर्ती परीक्षा को यहां पर 8 जुलाई तक के लिए रद्द कर दिया गया था और इस मामले में जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। यानी कुल मिलाकर आप देखिए कि जांच जो है वो यहां सीबीआई के हवाले की गई और आज सीबीआई ने श्रीनगर के अंदर भी दबिश दी है। सईद रूफ ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। रूफ, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से जम्मू डिवीजन की बात यहां रितिका बता रहे थे कि किस तरह से कार्रवाई चल रही है, श्रीनगर के अंदर क्या कुछ चल रहा है? आपने कुछ कहा कि ये एक जगह पे नहीं है बल्कि कई मुकामात पे इस तरह की छापामार कार्रवाई की गई है सीबीआई की तरफ से, क्योंकि असल में जो हकायक है उसको सामने लाने की बात की है सरकार ने, और उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों ने भी कहा था कि अगर सीबीआई को कोई केस सौंपा जाता है सिर्फ सीबीआई की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती है,
अभी वो सब कुछ सामने नहीं आ रहा है। तो अब सीबीआई ने जिस तरह कार्रवाई की है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर बाहर से भी जिस तरह कार्रवाई की गई है, छापामार कार्रवाई की गई है और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो चल रहा है, कहीं ना कहीं सरकार जो है ये सारे मामला जिस तरह हुए हैं इनका प्रूफ जो है वो सामने ला के पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश करें, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं लोग जो है या जो जो जिन्होंने इनमें अप्लाई किया था और इस सारे मामले को लेकर बातें तो जरूर की है, उन बातों का जवाब जो है वो सरकार इन्वेस्टिगेशन के जरिए देना चाहती है। और सरकार का ये कहना है कि जहां कहीं भी गलत हुआ है, जहां कहीं भी कुछ मामले हुए हैं, उन सब मामलों की इन्वेस्टिगेशन होगी। और ये सिर्फ इस मामले को लेकर नहीं बल्कि जो इसके अलावा बाकी मामला है, जहां पे भी कहीं करप्शन का मामला चल रहा है, कहीं कोई प्रोसेस है, उन सारे मामला की जांच होगी और वो जो जांच है, वो जो रिपोर्ट है, वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी कि कहां कहां पे गलत हुआ है और क्यों सरकार ने इस तरह के इकदाम किए। लेकिन रूफ सवाल यहाँ पर यह है कि जिन बच्चों को ये पूरा झेलना पड़ा है उनके लिए भी किस तरह से काम होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई की तरफ से एक बड़ी जांच तो की जा रही है। जिस तरह से एलजी ने 10 जून को कहा था कि बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल, देखिए अच्छा कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व जरूर हो सकते हैं और ज्यादातर जो बच्चे हैं उनको बेचारों को जो है ऐसे ही ये परेशानी उठानी पड़ी है, क्योंकि जिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने दम पे ये क्वालिफाई किए हैं, जिन्होंने अपने दम पे मेहनत करके साबित कर दिया है, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है और उनके लिए सरकार ने कोई बात अभी नहीं कही है। क्या उनको रिजर्वेशन दी जाएगी या इनको दोबारा से इस प्रोसेस में लाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें से कई ऐसे अभ्यर्थी भी थे रूफ जो ओवर एज होने वाले हैं और शायद अभी तक उनकी एज जो है वो ओवर भी हो गई होगी। बिल्कुल आशा, ओवर एज भी हो रहे हैं, कई ऐसे गरीब बच्चे भी हैं जिनको उम्मीद थी कि अब उनको इस तरह रोजगार मिल सकता है और वो कुछ कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं शायद सरकार को जिनको सरकार को मद्देनजर रखते हुए फैसला लेना होगा। अगर कई कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व है, कुछ फर्द या कोई ऑफिसर या जो उस वक्त अथॉरिटीज है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके जरिए जो कुछ बच्चे उनमें इन्वॉल्व होंगे उनको अगर बाहर निकाला जाएगा और बाकी को रिलैक्सेशन दी जाएगी, वो बेहतरीन कदम हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के दिल टूटे हैं जिन्होंने साल भर मेहनत करके क्वालिफाई किया है और फिर उनको अगर वो कश्मीर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है, क्या कोई दस्तावेज वहां से उठाने की कोशिश हुई है, कोई सीबीआई की तरफ से कोई जांच सामने रखी गई? से जो बात हुई है अभी तक उन्होंने कुछ कहने से इनकार किया, उन्होंने कहा कि हमने कार्रवाई की है, क्या कुछ होगा वो शाम देर तक पता चलेगा, दस्तावेज या बाकी चीजें। और इसमें मुतवका ये भी है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि कई नाम तो पहले ही सामने आ चुके थे जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी, जिनके जरिए ये सब कुछ हुआ है, बाहर की कंपनीज जिनको दिया गया था ये कॉन्ट्रैक्ट उनके लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें गिरफ्तारियां भी हो सकती है और जो कुछ दस्तावेज या बाकी जो कुछ जो सीबीआई कार्रवाई कर रही है वो शाम देर तक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रूफ का क्या कुछ कहना था कि किस तरह से शाम होते होते यहाँ पर एक बड़ी बात जो है वो सामने आ सकती है, एक बड़ी खबर देखने को मिल सकती है कि किन के नाम सामने आए हैं, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम सीबीआई की तरफ से दिया गया है। अब देखना ये होगा कि कितनी देर में राहत की खबर भी सुनने को मिलेगी। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको एक बार फिर से जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू से ही आपको दिखाएंगे कि महबूबा मुफ्ती लगातार जम्मू के दौरे पर पहुंची हुई है और जम्मू में किस तरह से वो अपना काम कर रही हैं। जम्मू के दौरे पर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं, जनप्रतिनिधियों से भी लगातार रूबरू हो रही हैं और बैठकों का सिलसिला बदस्तूर जारी कर दिया गया है। लेकिन इस बीच में आप देखिए महबूबा मुफ्ती किस तरह से पीडीपी पार्टी की पैठ संभालती हुई, क्योंकि विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हर एक पार्टी अपना काम करती हुई नजर आ रही है, हर एक पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन उस बीच में अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती जम्मू के दौरे पर पहुंची हुई हैं और दौरे पर पहुंचने के बाद लगातार बैठकों का सिलसिला बदस्तूर जारी रखे हुए हैं, जनप्रतिनिधियों से भी रूबरू हो रही हैं और आम जनता से भी मिलने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बीच देखना ये होगा कि विधानसभा चुनावों में इन दौरों का कितना फायदा और जनप्रतिनिधियों के अंदर जब वहां बातचीत चल रही है उनके साथ रूबरू हो रही है तो जाहिर तौर पर किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर दोनों में लगातार पीडीपी पार्टी अपनी पैठ बनाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ आप देखिए पीडीपी के साथ ज्यादातर युवा जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से जम्मू के दौरे पर पहुंची हुई है अब किस तरह से रणनीति जो है वो पीडीपी पार्टी की तरफ से यहां पर बुनाई जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं से महबूबा मुफ्ती बैठक कर रही हैं और जनप्रतिनिधियों से भी रूबरू यहां पर होंगी और पार्टी मुख्यालय के अंदर लगातार वो पहुंची हुई है, हर किसी से मिलने की कोशिश हो रही है, रणनीति तैयार करने की कोशिश हो रही है। और इस बीच में आप देखिए किस तरह से बयानबाजी का सिलसिला भी बदस्तूर जारी कर दिया गया और जाहिर तौर पर अब यहां
कहा आम जनता की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है, आम लोगों से मिलने की कोशिश हो रही है, आम लोगों तक पहुंचने की एक बड़ी कवायद जो है वो पीडीपी पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई है। पिछले कई दिनों से महबूबा मुफ्ती जम्मू में हैं और जम्मू में कई लोगों से मुलाकात करती हुई नजर आ रही हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी महबूबा मुफ्ती बैठक कर रही हैं और बैठक के साथ साथ यहां पर पीडीपी पार्टी किस तरह से रणनीति तैयार कर रही है इसी पर जानकारी लेंगे। रितिका हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं। रितिका, पिछले कई दिनों से महबूबा मुफ्ती जम्मू के दौरे पर हैं और हर अलग अलग जगहों पर जाने की कोशिश हो रही है, किस तरह से आज का कार्यक्रम रहा वहाँ? रितिका जी, आपको बताना चाहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती जो है वो आज गांधीनगर का जो उनका अपना कार्यालय है पार्टी का वहाँ पे पहुंची और जिसमें आपको बता दें कि नव नियुक्त महासचिव अब्दुल राशिद मलिक और साथ ही साथ हाजी परवेज रूपा जो की प्रांतीय युवा अध्यक्ष है उन्हें कहीं ना कहीं अभिनंदन की जो अध्यक्षता है वो उनके द्वारा की जाएगी और उनके द्वारा आज बताना चाहेंगे की तमाम जो मुद्दे हैं अलग अलग उनको लेके भी उन्होंने कहा है। अभी प्रेस वार्ता वो कर रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि अलग अलग लोगों से वो मिली है जिन्होंने अपनी अलग अलग प्रॉब्लम जो है वो उनके समक्ष रखी है। रितिका, जिस तरह से इल्तिजा भी कहती हुई नजर आई थी कि यहाँ से अगर सेना को हटाया जाता है तो उसके बाद आप देखिए आगे की रणनीति किस तरह से तैयार की जाएगी, क्या उस बयान को लेकर कोई बातचीत की गई महबूबा मुफ्ती की तरफ से? जी, अभी तक मैं आपको बताना चाहूंगी कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से अभी जो वार्तालाप चल रही है जितने भी यहाँ पे मीडिया कर्मी है उनके सामने उनके समक्ष उन्होंने तमाम जो समस्याएं चल रही है जम्मू कश्मीर में वो उन्होंने बाहर निकाल के रखी है, जिसमें रिटायर्ड एम्प्लॉयज जो है उनकी बात उन्होंने की। उनका कहना है कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज को उनके हक नहीं दिए जा रहे हैं। उसके अलावा डेली वेजर्स की उन्होंने बात की है, टिप्पर ट्रॉली से जुड़े हुए तमाम लोगों की बात की और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है उनके द्वारा जो सिलेक्टिव लोग हैं सिर्फ उन्हीं को जम्मू कश्मीर में चांस दिया जा रहा है आगे बढ़ने का, बाकियों को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो बता रही हैं कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती अलग अलग मुद्दों को यहाँ पर बुनती हुई नजर आई हैं। डेली वेजर्स का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है और जितने भी रिटायर्ड यहाँ पर मुलाजिम हैं उनके भी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। लगातार आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है और इस वक्त आपको हीरानगर लिए चलेंगे जहां पर धूल फांक रही है एसडीएच हीरानगर की अल्ट्रासाउंड मशीन और 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोगों को इसकी सुविधा नहीं मिल पाई है और जाहिर तौर पर आप देखिए एक सवाल किस तरह से खड़ा हो रहा है। अल्ट्रासाउंड के लिए दरबार पर भटक रहे हैं स्थानीय लोग, यहां पर ये दर बदर की बात हो रही है कि दर बदर लोग जो है वो भटकते हुए नजर आ रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, एक बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग पर खड़ा हो रहा है जहां पर आप देखिए स्वास्थ्य विभाग को मद्देनजर रखते हुए काम करने की जरूरत थी लेकिन एक बड़ा दावा पेश किया गया है जिसमें हर किसी को सामने आने की जरूरत है क्योंकि बार बार कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अंदर किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अब आपको दिखाना बहुत जरूरी है। धूल फांक रही है एसडीएच हीरानगर की अल्ट्रासाउंड मशीन, यानी कि अल्ट्रासाउंड अगर किसी को करानी है तो दूर दराज के इलाके में जाना पड़ेगा या फिर जम्मू का रुख करना पड़ेगा, कठुआ का रुख करना पड़ेगा और इस बीच में स्वास्थ्य विभाग इस पर क्यों काम नहीं कर रहा है ये बड़ा सवाल है। 22 वर्ष बीत चुके हैं, 22 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक ये सुविधा वहां पर लोगों को नहीं मिल पाई है और अल्ट्रासाउंड के लिए लोगों को दरबदर होना पड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है, जम्मू पहुंचना पड़ रहा है, कठुआ का रुख करना पड़ रहा है लेकिन इस बीच में अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग कितनी जल्दी इस पर काम करता हुआ नजर आएगा जहां पर स्वास्थ्य विभाग एक बड़ा दावा पेश कर रहा है लेकिन जमीनी सतह पर उतर कर यहां अस्पतालों का रुख करने की जरूरत है, एसडीएच का रुख करने की जरूरत है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की अगर बात करें तो पूरी तरह आप देखिए किस तरह से वहां पर काम हो रहा है, हीरानगर की बात हो रही है जहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है और 22 वर्ष बीत चुके हैं, इस तरह की कोई भी सुविधा यहां आम लोगों को फराहम नहीं कराई गई है तो जाहिर तौर पर बड़ा खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि जिन लोगों को अल्ट्रासाउंड की जरूरत है उन लोगों को बाहर का रुख करना पड़ रहा है और एसडीएच के अंदर ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए थी लेकिन अभी तक ये कोई भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं करवाई गई है और बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि 22 साल होने को हैं लेकिन अभी तक इन लोगों को अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पर फराहम नहीं।
रखा जाता है कि चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो या फिर एजुकेशन सेक्टर हो, हर जगह पर काम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन उस बीच में जमीनी सतह पर उतरकर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से आप देखिए किस तरह ये सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की जो हीरानगर में है, और हीरानगर में बाहर से आए हुए जो लोग हैं उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। मरीजों को तो खामियाजा भुगतना ही पड़ रहा है, लेकिन उस बीच में जो मरीज यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हें राहत कब तक पहुंचाई जाएगी, किस तरह से वो राहत पहुंचाई जाएगी, ये सवाल जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। हीरानगर में अस्पताल के अंदर अभी सिर्फ खबर ये है कि अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के साथ साथ वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से फराहम कराई जा रही हैं इन पर भी संज्ञान लेने की जरूरत है, ध्यान गड़ाने की जरूरत है। तो महज आप देखिए अस्पताल के अंदर ये सारी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए, लेकिन एसटीएच हीरानगर की अगर बात करें तो कोई भी सुविधा वहां पर फराहम नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से काफी लोग परेशान हैं और परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में आप देखिए किस तरह से अब स्वास्थ्य विभाग यहां पर काम करेगा। साफ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हीरानगर की, जहां पर आप देखिए भारी तादाद में मरीज यहां पर पहुंचे हुए हैं, मरीजों का तांता लगा हुआ है, लेकिन उस बीच में किस तरह से यहां पर सुविधाएं जो है वो फराहम कराई जा रही है। महज सिर्फ और सिर्फ एक पर्ची जो है वो कटवाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अंदर बिल्कुल भी सुविधा अल्ट्रासाउंड को लेकर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बाहर का रुख मरीजों को करना पड़ रहा है, और जाहिर तौर पर यह समझिए कि जो मरीज यहाँ पर इमरजेंसी में है या फिर बहुत ज्यादा बीमार है तो वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचेगा अल्ट्रासाउंड को लेकर। एक ही छत के नीचे ये सारा इलाज यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन फराहम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिस पर सवालिया निशान यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। चलिए साफ तस्वीरें भी आपने देख ली अस्पताल के अंदर कि किस तरह से यहाँ पर काम जो है वो चल रहा है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। रंजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, किस तरह से वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो फराहम कराई गई हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से विभाग की तरफ से एक बड़ा दावा पेश किया जाता है। आशा, मैं आपको ये बता दूं कि ये 24 साल पहले जिले एक अल्ट्रासाउंड मशीन जो एस्टैब्लिश की गई थी हीरानगर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तब से यहाँ पे ना तो रेडियोलॉजिस्ट लगाया गया विभाग की तरफ से और ना ही इसका लोगों को खास फायदा पहुंचा है। इसके साथ ही इस मशीन के अगर ये यहाँ पे सुचारू रूप से चलती तो ये इस इलाके की कोई 3 लाख की जो जनता है इस गाँव के अंदर उसको फायदा मिलता, लेकिन लोगों को मजबूरन यहाँ पे जहाँ से कठुआ में जाकर परेशान है। आज कोई बीमार होता है तो 8 दिन बाद उसको रिपोर्ट दिखाई जाती है, तो इसकी वजह से कई बार स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से लेकर हर जगह पर, हर स्तर पर, हर फोरम पर, हर पॉलिटिकल लीडर को भी अप्रोच किया गया, लेकिन किसी ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि हीरानगर अस्पताल की दुर्दशा जो है दिन बदर जा रही है, जहाँ पे रोज का कम से कम 300 से 400 लोगों की ओपीडी जो है वो है, और तीन इस सब डिवीजन की पूरी 3 तहसीलें इसी अस्पताल पर निर्भर हैं, और यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का नहीं होना। क्या लगता है रंजीव की विभाग की तरफ से क्यों कदम नहीं उठाया गया है? पता नहीं क्यों ये विभाग की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि जम्मू के जो भी जो शहरों में बैठे हैं वो दूर दराज के एरिया में आना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक रेडियोलॉजिस्ट है वो जम्मू में बैठेगा तो उसको शाम को रोज प्राइवेट बैठेगा तो रोज का 8-10 हजार रुपए वहां पे कमाएगा, अगर हीरानगर आ गया तो आने जाने में उसके 4 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, इसी वजह से वो अपना जुगाड़ लगा के जहाँ रोज लगा के वो जम्मू में ही रहना पसंद करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हीरानगर के लिए कई डॉक्टर उन्होंने वॉलंटियरली भी कहा कि हमें ट्रेनिंग करवा दीजिए 4-5 महीने का कोर्स, हम यहाँ पर बैठने के लिए तैयार है, लेकिन विभाग ने उनको भी यहाँ पे ट्रेन नहीं किया। तो मैं मेरे साथ यहाँ पे एक समाज सेवक है जो इसके लिए संघर्ष करते रहे काफी देर से, मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। ठीक है अशोक जी, स्वागत है आपका। बताइए की स्वागत है, मशीन है, इसके लिए हमने काफी संघर्ष किया था। 24 साल पहले ये
सरकार ने मशीन का एक तोहफा दिया था, मशीन है लेकिन मशीन चल रही है 24/7 को। मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 24/7 नहीं हुए, हमने काफी हर प्लेटफॉर्म पर इसको उठाया है। ब्लॉक दिवस लगता है हमारे यहाँ डीसी कठुआ पहले राहुल यादव जी से हमने बात की, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। उसके बाद जो डीसी कठुआ अभी राहुल पांडे जी से है, इनसे भी हमारी बात हुई है कि लोगों को जिस तरह मिलनी चाहिए। आज एक गरीब आदमी को डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए रिकमेंड करता है, उसको जा तो वो कठुआ जाएगा या सांबा जाएगा। रंजीव, जिस तरह से सरकार की तरफ से भी कहा गया कि रेफर सेंटर नहीं बनने चाहिए, अलग अलग जगहों पर सुविधाएं फराहम कराई जाएंगी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें कुछ और ही हैं। इसके साथ आपको एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि 2006 में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस भी यहाँ हीरानगर ब्लॉक में उपलब्ध करवाई गई, क्योंकि जिससे बॉर्डर एरिया में तब फायरिंग का दौर था, जो पार से फायरिंग होती थी, लोगों का आना जाना मुश्किल था, तब उस दौरान भी एक एम्बुलेंस थी जो अल्ट्रासाउंड मशीन से लैस थी, लेकिन डॉक्टर नहीं होने की वजह से वो भी पिछले 15-16 सालों से वहां पे खड़ी है, वो अस्पताल में धूल मांग रही है और वो भी अब बिल्कुल। चलिए रंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हीरानगर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अंदर संज्ञान लेने की जरूरत है, ध्यान गड़ाने की जरूरत है। 200 से 300 मरीजों का रोज यहाँ पर तांता लगा होता है, जहां पर आप देखिए पूरी तरह काम करने की जरूरत है। अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, एम्बुलेंस का भी सवाल यहाँ पर रंजीव की तरफ से छोड़ दिया गया है कि सुविधाएं फराहम नहीं कराई जा रही है विभाग की तरफ से, जिस पर गौर फरमाने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।